प्रार्थना करने पर व्यक्ति की हर इच्छा पूरी होती है। इस स्थान के शांत और सुंदर वातावरण, शांतिपूर्ण दिव्य माहौल के कारण पर्यटक यहाँ आकर्षित होते हैं। इस मंदिर की वास्तुकला आधुनिक और पारंपरिक निर्माण शैलियों का अद्भुत मिश्रण है। मंदिर के बाहरी और आंतरिक दोनों पहलुओं में उत्कृष्ट विवरण और इसके निर्माताओं द्वारा सर्वोत्तम गुणवत्ता वाले संगमरमर का उपयोग बारीकी से देखने पर इसे शानदार बनाता है। मंदिर परिसर के अंदर विशाल अष्टधातु की मूर्तियों की उपस्थिति और तीर्थकारों को समर्पित 24 मंदिर इस मंदिर का मुख्य आकर्षण है। अरावली के पहाड़ी दृश्यों के साथ बाहरी हिस्से में संगमरमर की नक्काशी, मूर्तियाँ और बगीचे मंदिर को और भी सुंदर बनाते हैं। वर्ष 1994 में इस मंदिर का निर्माण आरके मार्बल समूह के परिवार के सदस्यों अशोक पाटनी और दीनानाथ जैन द्वारा किया गया था। प्रारंभ में मंदिर के निर्माण की अनुमानित लागत 50 करोड़ रुपए मानी गई थी, लेकिन अंततः इसे पूरा होने में लगभग 100 करोड़ रुपए से अधिक का धन लगा। वर्ष 2002 में मंदिर परिसर में अष्टधातु से बनी 3 बड़ी मूर्तियां भी स्थापित की गई। तीर्थंकर मूर्तियों का वजन 20 टन से भी अधिक है। यह मंदिर अपनी वास्तुकला के साथ साथ अपने शांत वातावरण के लिए भी अधिक लोकप्रिय है। यह मंदिर शहर के बाहरी इलाके में अजमेर से लगभग 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और इसके आसपास घूमने के लिए कई अन्य स्थान भी हैं और यहाँ आने वाले पर्यटक इस मंदिर की प्रशंसा किए बिना रह नहीं सकते। वाकई में मंदिर बहुत ही खूबसूरत और आपके मन को सुकून देने वाला है। जिस स्थान से तीर्थ का प्रवर्तन किया जाता है उसे तीर्थ कहते हैं, अर्थात जहाँ भव्य जीव साधना कर संसार से तिरने की शिक्षा प्राप्त करते हैं उन्हें तीर्थ क्षेत्र कहते हैं। ऐसे भारत में अनेक जैन तीर्थ क्षेत्र हैं जिन्हें श्रावकों ने श्रद्धा भक्ति से बनाया और आज वे जगत विख्यात अतिशय क्षेत्र बन गए हैं। इसी श्रृंखला में इस जैन धर्म की संस्कृति को अक्षुण रखने एवं वृद्धिगत करने के लिए श्री दिगंबर जैन ज्ञानोदय तीर्थ क्षेत्र की स्थापना की गई। विश्व वंदनीय आदर्श दिगंबराचार्य संत शिरोमणि आचार्य विद्यासागर जी महाराज की दीक्षा स्थली अजमेर में वर्षों की साधना, आराधना, प्रार्थना के परिणाम स्वरूप आपके ही परम शिष्य आध्यात्मिक संत वास्तु विज्ञानी मुनि पुंगव श्री साधु सागर जी महाराज का सन 1994 में ऐतिहासिक वर्षायोग हुआ। नारायली क्षेत्र को आचार्य श्री भरत सागर जी ने अतिशय क्षेत्र घोषित किया था। इसी वर्षायोग में कार्तिक सुदी पूर्णमासी के दिन सन 1994 को रात्रि के अंतिम प्रहर में स्वप्न में मुनि श्री को अजमेर की पूर्व दिशा में एक पहाड़ी भूखंड के दर्शन हुए। प्रातःकाल मुनि श्री ने समाज से कहा कि आज पूर्व दिशा में चलो, इसी दिशा में तीर्थ क्षेत्र बनेगा। समाज के कुछ लोग मुनि श्री एवं श्रू गंभीर सागर, श्रू धैर्य सागर एवं ब्र संजय जी नारेली की तरफ चल पड़े। रास्ते में मदार क्षेत्र की अनेक पहाड़ियों का निरीक्षण करते हुए चलते गए और एकाएक श्रीनगर बड़ल्या चौराहा के पास मुनि श्री उत्तर दिशा की तरफ बाईपास पर मुड़ गए। लगभग 1.25 किलोमीटर चलने के बाद मुनि श्री के चरण नारेली की इस विशाल पहाड़ी सहित भूखंड पर रुक गए तथा आंख बंद कर खड़े हो गए। ध्यान करने के बाद घोषणा कर दी कि इसी स्थल पर तीर्थ क्षेत्र बनेगा। यह भूमि वास्तु दोषों से रहित है। इस भूमि पर खड़े होते ही हृदय में आह्लाद उत्पन्न हो रहा है।
उसी समय एक गाय अपने बछड़े को दूध पिला रही थी। मुनिश्री ने कहा कि यह सबसे बड़ा शुभ शगुन है। मुनिश्री ने इस क्षेत्र की माटी की सुगंध का निरीक्षण किया और सभी तरफ से यह योग्य प्रतीत हुई। समाज के लोगों ने उसी समय पानी भरा, श्रीफल फोड़कर उसी के जल से मुनिश्री के चरण कमल का अभिषेक कर गंधोदक बनाकर क्षेत्र को पवित्र कर दिया और मुनिश्री की चरण कमल की रज से भूखंड धन्य धन्य हो गया। और ये भजन की पंक्ति सार्थक हो गई कि जहाँ जहाँ पैर पड़े संतन के वहाँ वहाँ तीर्थ होए। मुनिश्री को आभास हुआ कि जरूर इस भूमि पर प्राचीन काल में संतों ने तपस्या की होगी। पहाड़ी की चट्टान पर बैठकर समाज को संबोधन दिया कि इस भूमि पर भारत का प्रसिद्ध अद्वितीय बहुउद्देशीय तीर्थ क्षेत्र बनेगा। धार्मिक रचनाओं के साथ सामाजिक परोपकारी एवं दया के प्रतीक आयतन बनेंगे। महामुनि सुधा सागर जी महाराज के निर्देश में तथा उनकी साधना तपस्या एवं आशीर्वाद की छाया में यह क्षेत्र संवर्धित संरक्षित होता हुआ विकास की चरम ऊंचाइयां छू रहा है तथा अपनी योजना के स्वप्न को साकार रूप दे रहा है। संत शिरोमणि परम पूज्य आचार्य 108 श्री विद्यासागर जी महाराज के परम शिष्य मुनि पुंगम सुधा सागर जी महाराज एवं शुलक गंभीर सागर जी, शुलक धैर्य सागर जी महाराज की प्रेरणा और आशीर्वाद एवं सानिध्य में 30 जून 1995 को 300 बीघा भूखंड में श्री कुंदकुंद मूल आमनायानुसार विश्व के प्रथम बहुउद्देश्य श्री दिगंबर जैन ज्ञानोदय तीर्थ क्षेत्र की स्थापना की गई है। संस्कृत साहित्य के विश्व प्रसिद्ध विद्वान चार चार संस्कृत महाकाव्यों सहित 30 ग्रंथों के सर्जक महाकवि दिगंबराचार्य ज्ञान सागर जी महाराज हुए हैं, जिन्होंने 1 जून 1973 में अजमेर से 22 किलोमीटर दूर नसीराबाद में आगमानुसार 6 माह तक विधिवत यम संलेखनापूर्वक समाधिकरण किया। नसीराबाद मिलिट्री छावनी होने के कारण वहां दादा गुरु की स्मृति स्वरूप विशाल स्थल नहीं बनाया जा सकता था, अतः कुंदकुंद मूलामनाय एवं श्रवण संस्कृति के उन्नायक आचार्य श्री विद्यासागर के गुरु एवं आचार्य शिव सागर महाराज के प्रथम शिष्य महाकवि आचार्य ज्ञान सागर की स्मृति चिरस्थायी बनाने रखने हेतु आपके ही प्रशंसीय मुनि पुंगव श्री शुद्ध सागर जी महाराज के मुखारविंद से इस क्षेत्र का नाम श्री दिगंबर जैन ज्ञानोदय तीर्थ क्षेत्र 30 जून 1995 को उद्घोषित किया, जिसे हजारों लोगों की सभा ने जयकारों के साथ स्वीकार किया। तभी से इस क्षेत्र इसी नाम से जाना जा रहा है और विश्व भर में सदैव इसी नाम से जाना जाता रहेगा। सन 1997 में क्षेत्र पर प्रथम वर्षायोग हुआ। यह वर्षायोग क्षेत्र के लिए वरदान सिद्ध हुआ। क्षेत्र की लगभग अधिकांश योजनाएं इसी वर्षायोग में घोषित हो गई। 1000 शिविरार्थियों का श्रावक संस्कार शिविर आरके मार्बल प्राइवेट लिमिटेड किशनगढ़ के सौजन्य से संपन्न हुआ। इस वर्षायोग में मुनिश्री ने 15 दिन तक लगातार रात्रि में पहाड़ी पर प्रतिमा योग धारण कर क्षेत्र को तपस्या स्थली बना दिया। करोड़ों जाप इस क्षेत्र पर कराए गए। श्री 1008 त्रिलोक तिलक महामंडल विधान आपके ही संसद सानिध्य में 800 इंद्र इंद्राणियों द्वारा संपन्न किया गया। समापन पर दिगंबर जैन श्रेष्ठी जैन गौरव श्री अशोक पाटनी आर के मार्बल प्राइवेट लिमिटेड किशनगढ़ के नेतृत्व में पहाड़ी पर गजरथ पर श्री जी की विशाल शोभा यात्रा ले जाकर पांडुक शिला पर 1008 कलशों से श्री जी का महामस्तक अभिषेक किया गया। इसी दिन राजस्थान के मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत, उच्च शिक्षा मंत्री श्री ललित किशोर चतुर्वेदी जी आदि मंत्रीगण पधारे और क्षेत्र की बहुउद्देशीय परमार्थिक एवं सामाजिक परोपकारी योजनाओं को देखकर सरकार ने पहाड़ी तक
डामर युक्त सड़क बनाने की घोषणा की और 2 माह के अंदर ही कार्य भी प्रारंभ कर दिया। आज सड़क का संपूर्ण कार्य समाप्त होकर सिंह द्वार से लेकर पहाड़ी की ऊंचाइयों तक यात्रियों को जाने के लिए उपलब्ध है। गिनीज बुक में नाम दर्ज कराने की योग्यता रखने वाली विश्व में प्रथम 1008 भगवान शांतिनाथ, भगवान कुंतनाथ, भगवान अरहनाथ की 24,000 किलोग्राम की अष्ट धातु की अलौकिक अनुपम विशाल सौम्य त्रिमूर्तियों को मंदिर बनने के पूर्व ही मूल स्थल पर विराजमान कर दिया गया। मूर्तियों की विशालता के कारण मंदिर निर्माण के बाद इनकी स्थापना करना संभव नहीं था। ये प्रतिमाएं प्रतिष्ठा के पूर्व ही अपना अतिशय दिखा रही हैं। सैकड़ों लोग प्रतिदिन इन अलौकिक मूर्तियों के दर्शन कर आश्चर्यचकित होकर धन्य धन्य हो जाते हैं। मंदिर बहुत खूबसूरत है, आपने देख ही लिया होगा, और यहाँ पर आकर के मन को बहुत शांति मिल रही है। सारे मन की व्यथा बाधाएं सब बिल्कुल दूर लग रही हैं। आप देखिए, ये मंदिर का मेन द्वार है जो इस समय बंद था, और दूसरा द्वार जो है उस साइड में वो खोल रखा था। बेहद खूबसूरत मंदिर। और ये पीछे का भी देख लीजिए आप, कहाँ से मेन रोड है और वहाँ से स्टार्ट हो गया। ये देखिए मंदिर के अंदर का खूबसूरत नज़ारा, और आप कलाकारी देखिए इस मंदिर के स्तंभों, दीवारों और छतों पर किया गया काम वाकई में प्रशंसनीय है। इतनी खूबसूरत मूर्तियों का डिज़ाइन है, दरवाज़ों पर की गई कलाकृति देखिए, और तराशा गया जो पत्थर है उसके अंदर जो काम किया गया है वो भी आप देखिए कितनी बारीकी से किया गया है, और कितनी साफ़ सफाई है इस मंदिर में। वाकई में मंदिर बेहद खूबसूरत और मन को प्रसन्न करने वाला है। इस जिनालय में वृत्ताकार प्रथम मंजिल पर प्रवचन हॉल पूरा हो गया है, और दूसरी मंजिल पर भारत में प्रथम लाल पाषाण से निर्मित भगवान ऋषभदेव की 21 फुट पद्मासन प्रतिमा विराजमान हो चुकी है। मंदिर का निर्माण पूरा हो गया है, और यहाँ पर 24 जिनालय बनाए जाएंगे। जिनालय यानी जिन्हें ध्यान केंद्र कहा जाता है, यह वह जिनालय है जिसमें भरत क्षेत्र के भूत, भविष्य व वर्तमान की 24 जिन प्रतिमाएं, जो कि 5.6 फुट पाषाण की 72 प्रतिमाएं 24 जिनालयों में विराजमान की जाएगी। एक एक मंदिर में 3-3 प्रतिमाएं स्थापित की जाएंगी। इन जिनालयों का शिलान्यास 27 दिसंबर 1997 को मुनि श्री के संसद सानिध्य में पृथक पृथक पुण्यार्चकों द्वारा प्रारंभ किया गया था। प्रत्येक दर्शनार्थी इन मंदिरों को देखकर भाव विभोर हो जाता है। इस युग में प्राचीन पद्धति के अनुसार 24 मंदिरों का निर्माण होना अपने आप में एक अतिशय है। प्रत्येक यात्री यही कहता है कि हम धन्य हैं कि हम अपने जीवन काल में ऐसे मंदिरों का निर्माण कार्य देख रहे हैं। इस मंदिर की आधुनिक टेक्नोलॉजी, भव्यता एवं सौंदर्य देखकर अनेक साधु संतों, विद्वानों, कला प्रेमियों, इंजीनियरों एवं वास्तुविज्ञों ने खुले मुख से इसकी प्रशंसा की है। हम सब धन्य हैं कि जो इस युग में ऐसे विशाल जिनालय स्थापित होते देख रहे हैं। इस मंदिर में संतशाला, भोजनशाला, गौशाला और महिला आश्रम और भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो बनाई हुई हैं, और इसका जो मुख्य प्रवेश द्वार है उसे सिंह द्वार कहा जाता है, और इस सिंह द्वार की ऊंचाई 81 फुट है, और इसका उद्घाटन 16 जून 2000 को हुआ था। ये ऊपर पहाड़ी पर जो
24 मंदिर हैं वो बने हुए हैं। अभी इनमें मूर्ति प्रतिष्ठित नहीं की गई है, ये अभी खाली है। और इनमें से एक मंदिर में मूर्ति प्रतिष्ठित की गई है और बाकी में भविष्य में की जाएगी। आप देखिए ऊपर से कितना विशाल यह मंदिर है और कितना खूबसूरत और शांत यहाँ का वातावरण है। आपके मन को बहुत शांति महसूस होगी यहाँ आने के बाद। इस मंदिर में काम चल रहा था, ये निर्माणाधीन था और इसके जैसा एक मंदिर दूसरी तरफ भी था जो बनकर तैयार हो चुका था, लेकिन जब हम ऊपर पहुँचे तो 6:30 हो गए थे और मंदिर 6 बजे शाम को बंद हो जाता है। तो आप जब भी इस मंदिर को देखने के लिए आएं, समय सारणी का विशेष ख्याल रखें। सूर्यास्त के बाद सभी मंदिर, जैन मंदिर जो हैं वो बंद हो जाते हैं, आप इस बात का विशेष ख्याल रखें। और यहाँ पर जो भोजनशाला बनी हुई है वो भी सूर्यास्त के बाद बंद हो जाती है। तो आप कुछ चीज़ों का विशेष ख्याल रख करके इस मंदिर को देखने अवश्य आएँ। यहाँ का शांत वातावरण और अद्भुत वास्तुकला आपका मन मोह लेगी। आप अगर अजमेर आने का मन बना रहे हैं तो नारेली के इस जैन मंदिर को देखना और भगवान के दर्शन करना बिल्कुल भी ना भूलें। ये देखिए बहुत ही विशाल मंदिर है और इसमें अभी भी काम चल रहा है। और यहाँ की जो वास्तुकला है वो अद्वितीय है, बिल्कुल आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि इतना अद्भुत शिल्प कला जो है वो कैसे कोई बना सकता है। मंदिर की दीवारें, छत, दरवाजे मानो कोई कहानी आपको बता रही हो, कोई कथा आपको सुना रही हो, आपको ऐसा प्रतीत होगा। अरावली की पहाड़ियों के बीच बने इस अद्भुत और अद्वितीय मंदिर के दर्शन करने के बाद हमारा मन बहुत ही प्रसन्न हो गया। तो आप भी इस मंदिर को देखना बिल्कुल भी ना भूलें। इस मंदिर की खूबसूरत वास्तुकला एवं शांत वातावरण और आश्चर्यचकित कर देने वाली मूर्तियों को देखकर हम यही निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि नारेली जैन मंदिर अजमेर के सबसे महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों में से एक है। शांत वातावरण, उत्कृष्ट संगमरमर की सजावट, विशाल मूर्तियां, लघु मंदिर और दिव्य वातावरण अधिकांश पर्यटकों को इस स्थान पर आकर्षित करते हैं। इसके अलावा राजस्थान के जैन समुदाय का दिगंबर संप्रदाय इस स्थान को सबसे पवित्र तीर्थ स्थान मानता है। हम कह सकते हैं कि मंदिर निश्चित रूप से जैनियों के लिए भारत के प्रमुख तीर्थ स्थानों में से एक के रूप में उभरेगा और कुल मिलाकर देश के यात्रा प्रेमियों के लिए एक अद्भुत पर्यटन स्थल होगा। इस मंदिर की जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम है और हमारे परिवार ने यहाँ आकर एक अलग ही आनंद की अनुभूति प्राप्त की। और आपको इस नारेली जैन मंदिर के इतिहास की रोचक जानकारी जानकर कैसा लगा, हमें कमेंट सेक्शन में अपने सुझाव अवश्य लिखें। और इसी तरह हमारी फैमिली व्लॉगिंग देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।